दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी बच्चों को स्कूल में एडमिशन न दिए जाने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। जस्टिस राजीव शकधर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले पर जवाब देने को कहा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 अक्टूबर मुकर्रर की। पाकिस्तानी परिवार इसी साल पर्यटन वीजा से भारत आए थे और वे छतरपुर के भाटी माइंस इलाके में रह रहे हैं। जब उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि उनके बच्चों को भाटी माइंस के सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कोई कदम नहीं उठाया। दंपति यह परिवार भारत आने के बाद तीनों बच्चों को 9वीं कक्षा में दाखिला कराया था और उसे 8 जुलाई से 14 सितंबर तक क्लास आने की अनुमति दी। दंपति ने बताया, बच्चों की अधिक उम्र को मुद्दा बनाकर स्कूल ने अनौपचारिक ढंग से बच्चों का नाम हटा दिया। अब वे घर में बैठ गए हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।